कनेक्टेड मोशन, देखो कनेक्टेड मोशंस क्या हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का, एक 2 kg का, एंड दो ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, और मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, मैं इन्हें खींच रहा हूँ। तो मैं इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये एक और ब्लॉक है, ये रहा, और मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, वेक्टर है प्लीज, फोर्स अप्लाई की 100 न्यूटन। इसका मास मान लो 5 kg मास है, इसका मास 10 kg का मास है, राइट। अब इमेजिन करो जब आप फोर्स यहां पर इसे खींचोगे 100 न्यूटन से, ये जो रस्सी थी स्ट्रिंग, ये पहले लूज थी, सबसे पहले क्या होगा, ये चलेगा, रस्सी क्या हो जाएगी, टाइट, फिर इसको भी साथ मूव करवा देगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सारे इकट्ठे मूव कर रहे होंगे, ठीक है, पूरा सिस्टम इकट्ठा मूव कर रहा है, और ये इकट्ठा मूव कर रहे होंगे एक साथ विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो कॉमन एक्सेलेरेशन दोनों ब्लॉक्स की क्या है, ए एक्सेलेरेशन है। ये भी क्लियर है यहां तक। इस स्ट्रिंग के अंदर फोर्स आ जाएगी, स्ट्रिंग की फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, टेंशन। स्ट्रिंग की फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते, स्ट्रिंग की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन, नाम अलग है, होती फोर्स है, न्यूटन में होती है। अब टेंशन कैसे बनानी है, कैसी दिखती है, टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर ड्रॉ करें। देखो 10 kg का ब्लॉक इस 5 kg के ब्लॉक को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो कैसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। तो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, 10 kg ने 5 kg को फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, और ये फोर्स किसके थ्रू अप्लाई किया, स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई किया, और स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन, ये टेंशन है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कि अगर 10 kg ने 5 kg को फोर्स अप्लाई की टी, तो फिर 5 kg ने भी 10 kg को फोर्स अप्लाई करनी है टी, इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे, तो 10 kg ने 5 kg को फोर्स अप्लाई की, तो 5 kg ने 10 kg को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई की टी। ये डिफरेंट नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होगा कि ये टी वन है, ये टी टू है, ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर देखें टेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रिंग्स में। टेंशन हमेशा टेंशन के वेक्टर पेयर में रहेंगे, हमेशा अकेली एक टेंशन नहीं होती, वैसा नहीं होता यहां टी बना दिया यहां रह गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाएगा। तो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को फोर्स लगाई, तो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, फोर्स बनानी आ गई टीएनटी, वो बताता हूं मूव कैसे कर रहा है। हाँ, वो इक्वल एंड ऑपोजिट आपस में कैंसिल कर रही है, तो मूव कैसे कर रहा है बताता हूं। यहां तक क्लियर है ना? आगे इसमें टी या ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि सपोज ये आपके पास 5 kg का ब्लॉक है, ऑब्वियसली ये 10 kg का ब्लॉक है, दिख रहा है मुझे। फ्री बॉडी का मतलब है इसका अलग डायग्राम ड्रॉ करना और इसका अलग डायग्राम ड्रॉ करना। अब डायग्राम में ड्रॉ क्या करना, डायग्राम में फोर्सेस को ड्रॉ करना, जैसे 10 kg के इमीडिएट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कौन कौन सी फोर्सेस ऐड करनी है, आपको क्या लग रहा है, राइट की तरफ क्या है 100 न्यूटन, तो राइट की तरफ कौन सी फोर्स ऐड कर रही है 100 न्यूटन। इसके इमीडिएटली लेफ्ट पे कौन सी फोर्स ऐड कर रही है, टी न्यूटन। राइट पे 100, लेफ्ट पे टी, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। उसके आगे क्या हो रहा है, ये इसकी हेडेक नहीं है, वो कह रहा है भाई मेरा काम हो गया, मेरे लेफ्ट और राइट मैंने बता दिया, आप देखो आगे क्या है। अब 5 kg, 5 kg कहते हैं ठीक है, तेरे लेफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं, तेरे राइट क्या है, टी, तो ये लो, ये इसकी एक और फोर्स मैंने ड्रॉ कर दी टी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी अपनी फोर्सेस हैं, इसकी अपनी फोर्सेस हैं। अब ये दोनों के दोनों मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट, ये दोनों के दोनों मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ठीक है यहां तक? अब न्यूटन
का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, राइट कि लेफ्ट, राइट, इसके ऊपर राइट की तरफ कितनी फोर्स है 100 और लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स है टी, तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी 100 की टी 100, वो क्यों, क्योंकि तभी तो ये राइट मूव करेगा, 100 बड़ी है और टी छोटी है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब बड़ी में से छोटी फोर्स, तो बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना सिखाया था, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आप डिसाइड करें कौन सी फोर्स बड़ी है 100 की टी, ये कहां मूव कर रहा है राइट, अगर राइट मूव कर तो राइट की फोर्स बड़ी है, राइट की कौन सी फोर्स है 100, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पहली क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा फिर इधर देखो, 5 kg का ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट, तो राइट की फोर्स कितनी है टी, लेफ्ट की फोर्स क्या है ही नहीं, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बस टी माइनस जीरो कर लो, लेफ्ट में है ही नहीं, तो टी इज इक्वल टू 5 into a, कोई डाउट इसमें, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 into a और टी इज इक्वल टू कितना 5 into a, ऐड कर दो, ऐड करोगे टी एंड टी कैंसल, जब आप इक्वेशन बनाएं और उन्हें सॉल्व करें और आपका गलती से टी एंड टी कैंसल ना हो बाई चांस, 100% आपका न्यूमेरिकल गलत है, आपने कहीं ना कहीं ऊपर गड़बड़ की है, टी एंड टी हर हालत में कैंसल होंगे ही होंगे, और वो तब होंगे जब एक टी पॉजिटिव होगा एक टी नेगेटिव होगा, तो यहां पर जब ऐड करेंगे तो 100 इज इक्वल टू क्या जाएगा 15 a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 15, पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, a आ गया, इस a को यहां पुट कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 into 100 डिवाइडेड बाय 15 न्यूटन, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो इस तरीके से टेंशन एंड एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, बोलो डाउट, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है, तो मैंने जब अपने असाइनमेंट में किया तो मेरे को ना डायग्राम बहुत बनाने पड़ते थे, पहले 5 का अलग 10 का अलग, तो मैंने क्या किया, सिर्फ सबको समझाने के लिए, सेम क्वेश्चन है और ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 2 और 5 है, तो आपने देखा टेंशन टी एन टी पेयर में ये इसे और ये इसे खींचेगा टी एन टी, अब कई लोग ये गलती करते हैं इसमें, कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, फिर आंसर नहीं आएगा, फिर कहेंगे नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या वो क्या करेंगे, ये रहा 5 kg, ये रहा 2 kg और ये 10 न्यूटन, वो क्या करेंगे फोर्स ड्रॉ करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, गलत नहीं करते, ये लो कहते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट है, और जबकि बनेगी कैसे, ऐसे फर्क है, तो आपने ऐसे नहीं बनाना, आपने ऐसे बनाना है कि 2 kg ने 5 kg को इस तरफ खींचा और 5 kg ने अपनी तरफ 2 kg को खींचा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक बार गलत कर दो ज़्यादा क्या होगा, उल्टा बना दो आंसर नहीं आएगा, फिर लेके आओगे सर कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, बता दूंगा ऐसे करना है, ठीक है यहाँ तक, तो मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम मेरे को अलग से बनाने पड़ते थे, कई सारी बुक्स बनाती हैं पर मैं कोई भी नहीं बनाता, मतलब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं इतने डायग्राम कौन बनाएगा, तो मैं तो डॉट 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 बना देता हूँ, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है, कैसे, इसके राइट की तरफ 10 है और लेफ्ट की तरफ टी है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये बना दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू 2 into a, और ऐसे इसके लिए t इज इक्वल टू 5 into a, तो इन्हें सॉल्व करके t एंड a कैन बी कैलकुलेटेड, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, जैसे सपोज 5 kg and 2 kg दो मासेज हैं, राइट की तरफ फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, लेफ्ट की तरफ फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, अब टेंशन कैसे एक्ट करेगी, वही सेम 2 kg ने 5 kg को फोर्स लगाई टी, तो 5 kg ने 2 kg, टेंशन पेयर में टी एंड टी, टी वन टी टू नहीं करना, एक रस्सी एक टेंशन,
एक रस्सी में एक ही टेंशन, ऐसा नहीं करना T1 T2 T3 कर दिया, ना TNT लगेगी पेयर में, राइट। अब ये मूव कहाँ करेगा सिस्टम, उधर की इधर 10 न्यूटन की तरफ की 1 की तरफ, 10 की तरफ, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये कहाँ मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, कोई डाउट इसमें। और जब ये मेरी तरफ मूव करेगा तो फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, और इसके लेफ्ट और राइट की फोर्स ये रही, ये बनेगा डायग्राम, इसके राइट और लेफ्ट इसको दो, इसका राइट और लेफ्ट इसको दो। अब ये कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ, तो कौन सी फोर्स बड़ी, 10 की टी 10, तो क्या बनेगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये कहां मूव करेगा, इस तरफ, तो कौन बड़ा, टी की 1 टी, तो टी बड़ा 1 छोटा, तो टी माइनस 1 इज 2 इंटू ए। क्या ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं, ठीक है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे टी एंड टी फिर कैंसिल, तो क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 7 ए इज इक्वल टू 9/7, कहीं मर्जी पुट कर दो, टी कैन बी कैलकुलेटेड। इक्वेशंस बनानी आ रही हैं आपको कि कैसी इक्वेशंस हैं, क्लियर है। तो कनेक्टेड मोशंस कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन करके देख लो, ये लो इस क्वेश्चन को करें। सपोज एक ब्लॉक है 10 केजी का, एक ब्लॉक है 5 केजी का, ये मैंने फोर्स लगाई 100 न्यूटन, ये स्ट्रिंग है, और इधर फोर्स लगाई 20 न्यूटन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, क्या होगी, या टेंशन निकालनी है, बनाओ डायग्राम। इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, टेंशन, टेंशन कैसे का, 5 केजी ने 10 केजी को, ये लो टी, ये टी बनेगा, तो 10 केजी 5 केजी को, ये लो टी बनेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, टी एंड टी, ठीक है। अब पूरा सिस्टम कहां मूव करेगा, राइट की लेफ्ट, राइट क्योंकि 100 बड़ा है और 20 छोटा है, तो एक काम करते हैं, ये राइट मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इसके राइट और लेफ्ट पे क्या फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस हैं, इसके राइट और लेफ्ट पे ये फोर्सेस हैं, क्लियर है यहां तक। तो इक्वेशन बोले 5 केजी कहां जा रहा है, राइट, तो बोलो कौन बड़ा, 100 बड़ा कि टी बड़ा, 100, तो इक्वेशन बोले 100 माइनस टी नेट फोर्स इज 5 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। इक्वेशन नंबर 2, 10 केजी के राइट में कौन है, टी, लेफ्ट में कौन है, 20, तो कौन बड़ा, टी की 20, टी राइट जा रहा है, तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को लिखें, पहली इक्वेशन ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, राइट, तो इन्हें ऐड करेंगे टी एंड टी कैंसल, तो क्या आएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, सॉल्व कर लेना इसे, राइट आंसर, कोई चक्कर नहीं, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखो, इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी, कोई स्टूडेंट कहता है भाई तुम्हें अगर एक्सेलरेशन निकालनी थी तो ये क्यों कर रहे हो, आप सीधा बताओ बड़ी फोर्स कौन है 100, छोटी फोर्स कौन है 20, पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितनी है 100 माइनस 20, तो न्यूमिनेटर में क्या आ गया नेट फोर्स, और टोटल मास सिस्टम का कितना है 5 प्लस 10 15, एक मिनट में एक्सेलरेशन आती है, ये करने की जरूरत क्या है, नेट फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ गई। तो आज के बाद अगर एक्सेलरेशन पूछे
फिर इतना कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप एक बड़ी फोर्स लें, एक छोटी लें, पूरे सिस्टम को इकट्ठा ले लें, अलग अलग मास ना लें, इकट्ठा मास लें, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करें और टोटल मास से डिवाइड कर दें। लेकिन आपसे एक्सप्रेशन कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपसे कौन क्या पूछेगा, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पर हाँ, ये बात है, इक्वेशन दो की जगह एक से काम चल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन शॉर्टकट से निकलाएगा और टेंशन के लिए एक इक्वेशन बना ले, वहाँ से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आता, ये तो मेथड है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप शॉर्टकट बन जाएंगे। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज करो, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है ना, आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक है, तीन ब्लॉक्स हैं आपके पास। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड है। तो ये 10 केजी है, ये 5 केजी है, ये 1 केजी है, ये स्ट्रिंग्स हैं। आपको अब दो की जगह तीन ब्लॉक्स के बने, आपको टेंशन निकालनी है दोनों स्ट्रिंग्स में और एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की। एक्सेलरेशन कहाँ होगी? राइट, क्योंकि पूरा सिस्टम कहाँ मूव करेगा? टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यहाँ तक मेरा पहला क्वेश्चन। ये रस्सी टाइट हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, इसमें भी टेंशन आ जाएगी, इसमें भी टेंशन आ जाएगी, ठीक है। कितने लोग मानते हैं कि यहां की टेंशन और यहां की टेंशन डिफरेंट होगी, और कितने कहते हैं नहीं, यहां और यहां की टेंशन सेम होगी? सेम होगी। रस्सी से पूछ लेते हैं, इससे पूछो कि जब मूव कर रहे थे तो तेरा क्या हाल है? ये कहता बहुत बुरा हाल है। वो क्यों? क्योंकि मेरे को 5 के साथ 1 केजी को भी खींचना पड़ता है। और जब आप इससे पूछते हो तेरा क्या हाल है, तो क्या कहती है? मेरे को सिर्फ 1 केजी को खींचना पड़ता है। तो किस पे जोर ज्यादा पड़ रहा है? पहले वाले पे। तो टेंशन ज्यादा किस में होगी? पहली स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा है और एंड वाली में सबसे कम है। तो अगर मैं ऐसे 100 ब्लॉक्स लगा दूं ना और पहली रस्सी से खींचूं पहले डिब्बे को, तो सबसे ज्यादा टेंशन पहली रस्सी में ही होगी, उसको 100 ब्लॉक्स को खींचना है, और सबसे कम वो आखिरी डिब्बे वाली और सेकंड लास्ट में होगी, जिसको एक ही डिब्बा खींचना है। तो यानी कि रस्सी कहां से टूटेगी? जहां टेंशन सबसे ज्यादा है। तो अगर इसको खींचें और रस्सी टूट जाए तो कौन सी रस्सी टूटेगी? ये कि ये पहली वाली टूटेगी, क्योंकि इसकी टेंशन ज्यादा है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? टेंशन डिफर करेगी। सेकंड, अगर ऐसे याद नहीं आता ऐसे कर लो, एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन। रस्सी चेंज हो गई, स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी, पक्की बात है, सेम नहीं रहेगी। तो जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग 1 टेंशन टी, सेकेंड स्ट्रिंग टी डैश, तो टेंशन चेंज हो जाएगी अगर स्ट्रिंग आपने चेंज कर दी। अब टेंशन की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं कैसे। ये देखो, 10 केजी ने 5 केजी को अपनी तरफ टेंशन लगाई, 5 केजी ने 10 केजी को टी लगाया, टी एन टी, 1 केजी ने 5 केजी को टी डैश लगाया, 5 केजी ने 1 केजी को टी रहेगी पेयर में। ये नहीं है कि ये टी वन है या टी टू है, ये टी डैश है, ये टी एन टी है। क्या ये स्टेप क्लियर है पहले यहां तक? तो जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो स्ट्रिंग की टेंशन भी चेंज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या रूल बनेगा? इसके राइट और लेफ्ट की फोर्सेस 1, इस ब्लॉक के राइट और लेफ्ट ये 2, इस ब्लॉक के राइट ये 3। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? ये ब्लॉक कहां जा रहा है? राइट, पूरा राइट। तो कौन सी फोर्स पड़ी? 100 की टी, 100। तो क्या बनेगा? 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, 5 केजी का ब्लॉक कहां जा रहा है? राइट की लेफ्ट? राइट। तो कौन सी फोर्स पड़ी? टी की टी डैश, टी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ये भी क्लियर है। तीसरी, ये कहां जा रहा है? राइट। तो कौन सी फोर्स है? टी डैश। तो टी डैश इज इक्वल टू 1 इंटू ए। क्या ये स्टेप क्लियर है? तीनों इक्वेशन बनानी आ गई। कोई डाउट इसमें?
जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, टी एन टी टी डैश कैंसिल, और अगर ये कैंसिल ना हुआ कोई टेंशन, तो पक्का आपका क्वेश्चन गलत है, ये कैंसिल होना जरूरी है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इसमें जब टोटल फोर्स निकलेगी तो 100, राइट साइड पे ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 16 है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 100/16। कोई डाउट इसमें? और आपके पास अगर ए आ गया, फिर आप कहीं मर्जी पुट कर दो, यहाँ पुट करो टी डैश आ गया, यहाँ पुट करो टी आ गया, फिर तो अपना आंसर निकाल ही सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो इसमें जैसे ये केस था, तीन ब्लॉक्स हैं, 100 न्यूटन है, 2, 5 और 1, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2 रहेगी पेयर में, तो पूरा सिस्टम राइट मूव कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 100 - T1 इज 2 × A, T1 - T2 इज 5 × A, T2 इज इक्वल टू 1 × A। इन्हें ऐड करेंगे आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कनेक्टेड मोशन का। या उससे पहले आप एक काम करो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें प्लीज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फोर्स, ये रहा 1 kg, 5 kg, 10 kg, टेंशन निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो। देखो इसमें क्या करना है, ये 5 kg 1 kg पे टी, तो 1 kg 5 kg पे टी, ऐसे यहाँ पर क्या होगा टी डैश, और यहाँ पर क्या होगा टी डैश। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये पहला डायग्राम, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, और ये तीसरी। सिस्टम मूव कहाँ करेगा, राइट की लेफ्ट, राइट विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो इसके लिए नेट फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये राइट मूव कर रहा है तो 100 N बड़ा है और टी डैश छोटा है, तो 100 - T- इज 10 × A। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 5 kg का मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है तो टी डैश बड़ा और टी छोटा है, तो क्या लिखेंगे टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 5 × A। ये स्टेप क्लियर है, T- - T = 5 × A।
फिर इसके लिए टी माइनस ट्वेंटी, क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू वन इंटू ए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां पर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100 माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 1 इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 80 डिवाइडेड बाय कितना, 16। ठीक हो गया, एक्सलेशन आ गई, इक्वेशन में पुट करके टी एंड टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ गया, कनेक्टेड मोशन, इक्वेशंस क्लियर है? ठीक, बेटर देन प्रोजेक्टाइल, बेटर देन मोशन। टेंशन के यूनिट्स न्यूटन है, ये ले जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है कनेक्टेड मोशन का, जिसमें पुली के एग्जांपल्स हैं। पुली के एग्जांपल्स में देखो क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पुली है, पुली जिसमें स्ट्रिंग है, जैसे ये पुली और ये स्ट्रिंग्स हैं, ये इसके ऊपर से पास हो रही हैं, इसके ऊपर से, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे। पुली कैन रोटेट, इट इज फिक्स्ड, एंड यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, 5 kg एंड
सेवन के जी, लेट अस सपोज दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इन्हें रिलीज करेंगे पुली घूम सकती है, तो सेवन के जी का ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे, फाइव के जी का ऊपर, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब जिस एक्सेलरेशन से सेवन के जी नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से फाइव के जी भी ऊपर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहे हैं, यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसमें जैसे अगर मैं ये पूछूं सेवन के जी का ब्लॉक नीचे क्यों आएगा, कौन इसको नीचे लेके आएगा, इसका वेट, मास नहीं वेट, क्योंकि मास अकेला कुछ नहीं करता, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ खींचती है, फोर्स, फोर्स की बात हो रही है। तो कितना वेट नीचे ऐड करेगा, सेवन जी, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पर कितना वेट ऐड करेगा, फाइव इंटू जी, क्लियर है, सेवन जी फाइव जी क्लियर है। नेक्स्ट, और कौन सी फोर्सेज हैं, स्ट्रिंग की फोर्स है। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक पुली पे जोर लगाएगा, ये जो ब्लॉक है ये पुली पे, पुली को, क्योंकि ये एक, ये दो और ये तीन, तीन चीजें हैं बीच में, तो ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये पुली को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो बदले में पुली इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, टी एंड टी, इक्वल एंड ऑपोजिट। सिमिलरली ये पुली सेवन केजी को अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, तो सेवन केजी इस पुली को फोर्स लगाएगा, टी इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो अब मैं टेंशन के बारे में बात कर रहा था, एक रस्सी पूरी घूम के पुली के ऊपर से, एक रस्सी है, दो नहीं है, तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में विल रिमेन सेम, रहेगी पेयर में। अब एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, दो महीने बाद आएगा, भी नहीं आएगा, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आता है, और उस और इस क्वेश्चन में यह फर्क है कि हम इस चैप्टर में पुली को मासलेस लेते हैं, मास नहीं, मेरा पुली है पर मास कोई नहीं है, नेग्लिजिबल, पर उस चैप्टर में मास लेते हैं, और जब मास लेंगे तो तीन ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक दो और तीन, तो फिर ये और ये में टेंशन T1 T1 हो जाएगी अगर मास लेना है, और इसमें इसमें टेंशन T2 T2 हो जाएगी। पर अगर मास नहीं लेना तो इसका बस दिखाने का रोल है, अंदर का कोई रोल है नहीं, तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पर दो ही मासेस कनेक्टेड हैं, एक और दो, तीसरा मास ही नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम में टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में क्या रहेगी, से, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो एक स्ट्रिंग है, चाहे घूम के आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे, तो जब ये नीचे आ रहा है तो इसका, इसकी फोर्सेस कैसे बनेंगी, नीचे 7g ऊपर टी, यही बनेगा। तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, 7g की टी, 7g, तो नेट फोर्स क्या होगी, 7g माइनस टी इज इक्वल टू 7 into a, फर्स्ट इक्वेशन। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर, तो कौन सी फोर्स बड़ी, टी की 5g, टी, तो नेट फोर्स क्या होगी, टी माइनस 5g, तो टी माइनस 5g इज इक्वल टू 5 into एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी 9.8, जी की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं ना, नहीं नहीं देखो यहां पर जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है, इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करने का मतलब होता है फ्री फॉल, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव कर रहा है, ये जी है, ये जी है, ठीक है, तो ये जी है,
पर ब्लॉक थोड़ा ना जी के साथ मूव कर रहा है, ब्लॉक तो ए के साथ मूव कर रहा है। हम वेट कैल्क, अब ये पेन है, इसका मान लो 1 kg का मास है, इसका वेट कितना है 1 × g, इसका ये थोड़ा है कि अभी मूव भी करेगा, अर्थ खींच रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं मूव नहीं करने दे रहा, तो इसका वेट कितना है mg, ठीक है, वेट कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? आप अगर ये सॉल्व करें TNT क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बनेगा 7g - 5g इज इक्वल टू 12a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 2g/12, तो क्या आएगा 2g = 12a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी g/6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर g की फॉर्म में आंसर गिवन होता है, 9.8 भी पुट नहीं करना होता, पर g/6 g/3 g/2 ऐसे, हाँ अगर पुट करना पड़ जाए जी को 9.8 या 10 पुट करके, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन आ गई ऊपर किसी भी इक्वेशन में ए को पुट करके टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पुली की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी, तो एक करके देखो, ये लो बनाओ डायग्राम इसका, सपोज ये पुली है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन निकालो प्लीज, देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर इसका जो वेट है वो कितना है 10g, इसका वेट कितना है 15g, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, क्लियर है? अब ये देख लो कौन बड़ा है, 15 kg बड़ा है, तो सिस्टम नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, राइट? तो इसके अंदर इस ब्लॉक के ऊपर नीचे ये दो फोर्सेस हैं, 10 kg के ऊपर नीचे ये दो फोर्सेस हैं, राइट? तो इसमें ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो कौन सी फोर्स बड़ी, 15g की टी नीचे आ रहा है, 15g बड़ी, तो 15g - t इज 15 × a, क्या स्टेप क्लियर है? फिर नेक्स्ट ये 10 kg कहां जा रहा है, ऊपर, तो कौन सी फोर्स पड़ी, टी की 10g t, तो फोर्स क्या बनेगी t - 10g इज इक्वल टू 10 × a, क्लियर है? ऐड करें TNT कैंसिल, इसका मतलब सही किया हमने, 15g 10g, 15 + 10 × a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15g 10g / 15 + 10, सॉल्व कर लेना। अब मैं ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको एक्सेलेरेशन सॉल्व करने के लिए कुछ करना ही नहीं था। आप ये देखो इसके नीचे की तरफ एक 15g फोर्स है और एक 10g, तो नेट फोर्स कितनी है 15g - 10g, और पूरे सिस्टम में टोटल मास कितना है 15 और 10, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स बाय नेट मास, आंसर ए निकालना कुछ है ही नहीं, पर ए कौन पूछेगा आपसे, टी पूछेगा, एक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, पर ए निकाल लो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी, पॉइंट समझ में आ रहे, तो ए निकालने के लिए आपको मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, ए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ऑब्जर्वेशन है इसकी, ठीक है? yes. अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन हमने कर लिया कि अगर ये 5 और 7 kg है, 7g 5g TNT, तो 7g - t = 7 × a, और ऐसे t - 5g = 5 × a, तो दो इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व, राइट? बुक्स में कुछ ऐसा गिवन होता है, ठीक फॉर्मूला, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है जिसमें एक मास m1 है एक मास m2 है और क्वेश्चन वही है एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन निकालो, तो इसका वेट कितना है m2g, इसका वेट कितना है m1g, यहाँ पर टेंशन क्या है TNT, मेरे को TT बनानी चाहिए थी, यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए T पेयर में, यहाँ T तो यहाँ पर भी T,
ऐसे, ये लो, ठीक है यहाँ तक, इसको भूल जाओ प्लीज़ दो मिनट। तो ये मान लो M2 बड़ा है, M1 छोटा है, इमेजिन किया है, वैसे उल्टा भी हो सकता है, और M2 बड़ा है तो नेट फोर्स क्या बनेगी, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इनटू A, और ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इनटू A, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इनटू A, क्या ये पॉइंट क्लियर है? उल्टा भी कर सकते हो, मैंने इमेजिन किया ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, क्लियर है? दो इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व किया, टी एंड टी कैंसल, सॉल्व करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। कई लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं, क्या एम टू माइनस एम वन जी, याद क्यों कर रहे हो? आपको तो मैंने शॉर्टकट सिखा दिया, क्या बड़ी फोर्स एम टू जी में से छोटी फोर्स एम वन जी को माइनस कर दो अपॉन टोटल मास कर दो, एक्सेलेरेशन आ गई एक मिनट में, क्या स्टेप क्लियर है? और अगर इस एक्सेलेरेशन को कहीं पर भी पुट करके टेंशन निकालनी हो तो टेंशन की वैल्यू आएगी टू एम वन एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू, राइट? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्योंकि इस टाइप की अगर दो ब्लॉक सिस्टम की इक्वेशन आती है और आप मान लो ऑब्जेक्टिव आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है टेंशन का, तो टेंशन का फॉर्मूला आगे काम भी आएगा। तो अगर आपको टेंशन का फॉर्मूला क्लियर है तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर याद रखेंगे टू एम वन एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे पुराना क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा टेंशन कितनी है, तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू जी बाय 5 प्लस 7, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आएगी इसमें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ये आपके पास एक पुली है और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और ये आपके पास एम वन है, ये आपके पास एम टू है, ठीक है यहाँ तक, M1 M2 है। नेक्स्ट है, यहाँ पर टेंशन टी एन टी, यहाँ पर टेंशन टी एन टी, ऐसे ही किया हमने। और अगर मैं डायरेक्ट पूछूँ तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, तो आपको याद हो गया 2 इंटू एम वन एम टू जी बाय एम वन प्लस एम टू, ये भी क्लियर है, याद हो गया। अब क्वेश्चन ये है, एक स्ट्रिंग ऊपर लगी हुई है जिसे पूरे सिस्टम को संभाल के रखा हुआ है, यहां पे टेंशन क्या है? ठीक, अब एक पॉइंट को समझें, ये पुली खड़ी खड़ी घूम रही है, ये ट्रांसलेशन मोशन में नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं आ रही, ना ये लेफ्ट राइट जा रही है, खड़ी खड़ी घूम रही है, पर ये इस तरीके से मोशन में नहीं है जैसे ब्लॉक्स मोशन, ना ब्लॉक्स की तरह मोशन में नहीं है, पुली ऊपर नीचे आ रही नहीं आ रही, रेस्ट पे है, अपनी पोजीशन पे घूम रही है। एक बात बताओ कि अगर जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये रहा पेन, और मैं कह रहा हूँ ये रेस्ट पे है, और नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन और एक तरफ एक्ट कर रही है 10 न्यूटन, तो बोलो ऊपर कितनी फोर्स लगे ताकि ये पेन रेस्ट पे रहे? 15 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे की फोर्स जब बराबर होगी तो खड़ा रहेगा यहीं पर जहाँ पे है। इधर आ जाएं, टी एन टी, पुली तो वहीं पर खड़ी है, तो अगर पुली यहीं पर खड़ी है तो इस केस में यहाँ पे टेंशन पता है क्या होगी? 2T, पता है क्यों? अगर पुली का अलग से डायग्राम बनाएं तो पुली के इमीडिएटली इस तरफ T और इमीडिएटली इस तरफ क्या फोर्स है? टी एन टी, और पुली तो रेस्ट पे है, तो मुझे ऊपर कितनी फोर्स लगानी चाहिए ताकि पुली किस पे रहे? एट रेस्ट। तो बोलो आंसर क्या होगा? 2T, ताकि 2T और 2T आपस में क्या आ जाए? कैंसल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पुली है, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। चलो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएट ये दो टेंशन आएंगी, ऊपर की स्ट्रिंग आएगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पुली रेस्ट पे है, नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितनी है? 2T, तो बोलो ऊपर कितना लगाऊं ताकि पुली रेस्ट पे रहे? आंसर इज 2T। तो अगर ये 2T टेंशन है, पेयर में होती है टेंशन, तो 2T 2T, तो यानी कि इस हिस्से में टेंशन हमेशा क्या होगी? नीचे के हिस्से से डबल होगी। तो अगर यहाँ पर टेंशन T है तो ऊपर के हिस्से में टेंशन हमेशा क्या होगी? 2T होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि यहाँ पर जो टेंशन है 2T, इसको बोला जाता है थ्रस्ट ऑन पुली। थ्रस्ट का मतलब पता है क्या होता है? फोर्स। तो पुली के ऊपर कितना जोर पड़ रहा है? फोर्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 × 2 m1 m2 g / m1 + m2, ये आंसर आएगा। तो आज के बाद अगर वो थ्रस्ट ऑन दी पुली पूछेगा तो 2T आंसर है, टेंशन द स्ट्रिंग पूछेगा तो T आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ये देखो। तो ये मेरे पास टेंशन है,
थ्रस्ट ऑन दी पुली मैंने क्या बनाई हुई है यहां पे, टूटी, राइट। नेक्स्ट है, अगर आपके पास सब ब्लॉक्स दो की जगह तीन हो जाएं तो क्या करना है, ये देखो, सपोज फिर से एक बार पुली है, ये लो, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये तीसरा ब्लॉक है, तीन ब्लॉक्स हैं। ये मान लो 5 केजी का ब्लॉक है, ये मान लो 7 केजी का ब्लॉक है, और ये 2 केजी का ब्लॉक है, ठीक है यहाँ तक। इसमें क्या होने वाला है, इसके अंदर ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, नीचे ऊपर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। आप मुझे एक चीज़ बताएं इसमें कि ये एक स्ट्रिंग है जो यहाँ कंटिन्यू कर रही है और ये अलग स्ट्रिंग है, तो टेंशन इन दोनों में सेम नहीं रहेगी, स्ट्रिंग चेंज हो गई ना, टेंशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ की टेंशन सबको प्लॉट करनी आती है, याद है, टी 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 एंड टी। अब यहाँ पे टेंशन क्या होगी, टी डैश एंड टी डैश, पहला रूल क्लियर है, टेंशन वेरी करेगी इसमें, हाँ रहेगी पेयर में, बात अलग है पर अलग अलग हो जाएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसका जो वेट है, राइट, इसका जो वेट है वो कितना है, 7g, इसका वेट कितना है, 5g, इसका वेट कितना है, 2g, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कैसे करना है, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, आप 2 kg के बारे में बताओ, ये 2 kg कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाएगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा, टी बढ़ा कि टू जी बढ़ा, टी, तो टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 × फर्स्ट इक्वेशन, सबको क्लियर है, ठीक है यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट, 5 kg के ऊपर टी है और नीचे दो दो फोर्सेज हैं, ये रही, 5 kg के ऊपर कौन है, टी, और नीचे 5g भी है और टी डैश भी है, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ इसका, ये देखो ये 5 kg है, 5 kg के ऊपर कितना है, टी, और नीचे कितना है, 5g, और ये कितना है, टी डैश, ऐसे ही है ना, और ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक बात बताओ, नीचे आ रहा है तो कौन सी फोर्सेज बड़ी हैं, ये बड़ी और ये छोटी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5g प्लस टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 5 × a, क्या स्टेप क्लियर है, तो इक्वेशन बनेगी नीचे की फोर्स 5g प्लस टी डैश माइनस टी इज 5 × a, क्या स्टेप क्लियर है, फिर से 5 kg का थोड़ा टाइट डायग्राम है, अलग बना दिया, 5 kg के ऊपर कौन है, टी, नीचे कौन है, टी डैश भी है और 5g भी है, बन गया, कहाँ आ रहा है, ये नीचे, अब नीचे आ रहा है तो ये फोर्सेस बड़ी होंगी, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ये ऐड कर दें 5g प्लस टी डैश, और ऊपर क्या है, टी, तो दिस माइनस टी इज इक्वल टू 5 × a, तो क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अच्छा लास्ट लास्ट, ये कहाँ आ रहा है, नीचे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7g माइनस टी डैश इज 7 × a, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो टी 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 डैश कैंसल, इसका मतलब इक्वेशंस सही हैं, सॉल्व करके ए निकाल लो, ए निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट करके टी एंड टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड, इक्वेशन समझ में आ रही है, कैसे बन रही है इसमें, कोई डाउट इसमें, ऊपर स्ट्रिंग में टूटी, हाँ इसका डबल हो, वो तो इस हिस्से का डबल होता है हमेशा, नीचे का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर जो टेंशन है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जितना वेट लगाते जाओगे टेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, टेंशन की वैल्यू तो दे टी दे रहा हूँ, टी की वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता ना, तो जितना यहाँ पर वेट लगाओगे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये और ये सेम है, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन है, जहाँ मर्जी लो, यहाँ लो यहाँ लो, जहाँ मर्जी लो टेंशन सेम आएगी, देखो ये देखो, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, इसके अंदर ये 5g टी 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 डैश क्लियर है, ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो पहली इक्वेशन बोलो 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5 × a, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन गलत बन गई इसमें, नेक्स्ट इक्वेशन में से ये गलत है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर की फोर्स कितनी है, टी, और नीचे की दो फोर्सेज कितनी है, 2g एंड टी डैश इज इक्वल टू 2 × a, ये सेकेंड इक्वेशन है, क्लियर है,
और ऐसे ये ब्लॉक भी कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर का मतलब टी डैश माइनस वन जी इज इक्वल टू वन इन टू ए। क्या ये स्टेप क्लियर है? इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट इन प्रॉब्लम्स में? तो अब जो प्रॉब्लम चलेंगी ना वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे चलेंगी, अलग अलग डायग्राम्स आएंगे, सारी गेम सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, फोर्स कैसे प्लॉट। अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन एक भी उल्टी ले ली आपकी इक्वेशन उल्टी बन जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम नेक्स्ट टाइम इसी की प्रैक्टिस करेंगे और टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दो तीन लेक्चर में ये एकदम सही हो जाएगा आपका सफिशेंट है आज के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी मैंने।